अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज़ सुनिए आप पहले तो इस रेसिपी की। और क्योंकि मैं इस रेसिपी को भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, वो जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो उन्होंने क्या गलतियाँ की, क्या उन्हें ये ट्राई करना चाहिए या नहीं, वो मैं बताऊँगी। तो वीडियो को मैंने शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने पानी लिया है थोड़ा सा, यानी कि मैंने 3 कप पानी लिया है और 1.5 कप मैंने ली है सूजी, नॉर्मल सूजी। उसमें मैंने 2 आलू को डाल दिया उबाल के, मैश करके, ठीक है। और जब आलू ये पानी अपना गर्म हो जाए ना फ्रेंड्स, तब भी अब से पहले ही डाल देना, ठीक है। जब वो डाल दोगे ना, बॉईल करने का वेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको बॉईल करना पड़े कि पानी में बॉईल ला जाए उसके बाद डालो, ऐसा कुछ नहीं ना। जब आप डाल दोगे ना, वो अपने आप बस कंटिन्यूसली मिक्स करते चले जाना, वरना लम्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है ना, इसको 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बस ऐसे मिक्स करते चले जाना है, क्योंकि सूजी पानी सोखती है तो वो अपने आप हो जाएगी। जब ये ऐसे होने लगेगी ना, यानी कि हो गया, इसे खूब ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर हमने सिर्फ 1 चम्मच तेल लेना है, क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल नहीं वो करना चाहती थी, पर मैंने यहाँ पे 1 चम्मच रिफाइन लिया, चाहो तो घी भी ले सकते हो। और मैंने कुछ कड़ी पत्ते डाले हैं, जिसे मैंने अच्छे से कम 1 मिनट के लिए किया, एकदम कड़े हो गए, ठीक है। जब ये कड़े हो जाए ना, आप इसे निकाल लेना अच्छे से। कोई ये नहीं ना कि आपको हाई फ्लेम पर ही करना है, लो फ्लेम पर करना है, ऐसी कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 1 चम्मच तेल में भी अपना काम हो सकता है। जब कम तेल में हो रहा है तो ज़्यादा तेल क्यों डालना, ठीक है। जिन चीज़ों का आप कम तेल में कर सकते हो, आप उन चीज़ों को कर लो। तो यहाँ पे मैंने कड़ी लीव्स निकाल लिए हैं, कड़ी पत्ते, और मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे, जैसे काजू, बादाम और मखाने, थोड़े थोड़े लिए थे, क्योंकि फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं ना कि जो मेरे पास हो वो आपके पास भी हो। तो जो आप डाल सकते हो वो आप डालो, जो नहीं डाल सकते उसे मत डालो। अपने हिसाब से कुछ सोच लीजिए कि अगर ये सामान नहीं है तो इसके अलावा हम क्या डाल सकते हैं, ठीक है। मेरे पास था तो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकती हर चीज़ें। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो मैं नहीं अफोर्ड कर पाती, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप नहीं अफोर्ड कर पाते होंगे, ठीक है। बस 1-2 मिनट इसको सॉटे करने के बाद निकाल लेना। फिर मैंने यहाँ पे लिया सेव मेकर, मेरे पास था। अगर आपके पास सेव मेकर ना हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड्स। मैंने जो सूजी थी ना, उसे अच्छे से जब ठंडा हो गया ना, तो हाथों में ऐसे कर लिया। अगर आपके पास सेव मेकर नहीं है फ्रेंड्स, तो आप नॉर्मली जो पॉलीथीन आती है ना, उसमें आप डाल लो, और उस पॉलीथीन को ना सुई से छेद कर लो, जितना भी आपको मोटा पतला चाहिए उस हिसाब से। क्योंकि थोड़ा दिमाग अगर आप लगाओगे ना कि इस चीज़ की मशीन है, तो आप उस चीज़ को घर में भी कहीं ना कहीं बना सकते हो, ठीक है। बहुत ईजिली ये निकल रही थी सेव मेकर से, मैंने बहुत पहले मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से, और इससे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो फ्रेंड्स। और बस ये इतना ज़्यादा ईजिली निकल रही थी, मुझे लगा नहीं था, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ फ्रेंड। और बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि आपको ये ट्राई करना चाहिए कि नहीं, तो हाँ आप एक बार ट्राई कर सकते हो इसे, लेकिन मुझे लगता है जितनी मेहनत आप इसको बनाने में लगाओगे ना फ्रेंड, उतने में आप ख़रीद लोगे। अगर आपको ये टेस्ट चाहिए कि यार मैं घर पर बना के देखूँ कैसा बनता है, तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जितना ज़्यादा डालोगे ना उसका आधा हो जाएगा ये, इतना आपको ध्यान देना है। फ्लेम को नॉर्मल ही रखना, ना ज़्यादा हीट ना ज़्यादा गर्म, ठीक है। फिर मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ इसे डालकर, क्योंकि बहुत ठंडा है फ्रेंड्स, तो सेफ्टी के साथ ही आप सबको रहना है, ओके। तो बस इसे डाल देना अच्छे से, मैं एक बार और डाल के मैं दिखा देती हूँ। ये नेट नेट की तरह रहेगा, आप जितना डालोगे ना उसका हाफ हो जाएगा। इसे बनने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और बनाना बेसिकली ये इजी है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करोगे ना, आपको बहुत लॉन्ग लगेगा टाइम, दिन बहुत लंबा लगने लगेगा जब इसे बनाओगे तो आप, ठीक है। तो ये हो चुका है। मैंने यहाँ पे गरी नहीं फ्राई की थी, मैंने गरी फ्राई कर ली है, बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरी, पर आप कम करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ठीक है। आप देखो हाथों की मदद से आप इसे तोड़ लेना, और ये ऑयल मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं ऑब्जर्व करता है, कम ऑब्जर्व करता है। और मैं तो आपको प्रेफर करूँगी कि आप इसे ना नॉर्मली पराठे जैसा आप इसे बना लो, क्योंकि हमें तो कढ़ाई चाहिए, तो वो कड़ा तो हो जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। फिर मैंने ली है 20-25 काली मिर्च, जिसमें 2 चम्मच चीनी डाली है मैंने, और इसे खूब अच्छे से कूट लेना, एकदम महीन,
ये मेन मसाला है समझ लो आप, ठीक है। फिर हमें इसे अच्छे से जितना है मैंने पूरा डाल दिया था, आप डाल के चेक करते जाना, कम लगे तो फिर से बना लेना, टेस्ट सेम टू सेम करेगा फ्रेंड्स, टेस्ट में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। लुक भी काफ़ी अच्छा था, फर्स्ट पहली बार ट्राई करी थी उस हिसाब से तो मैं बहुत कंफर्टेबल थी। और अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो उसको चीज़ों का ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा फ्रेंड्स, और डरने की कोई बात नहीं ना, जब अच्छी चीज़ें नहीं बनती तो ख़राब तो बनेगी ही, और बनाते बनाते ही हम चीज़ों को सीखते हैं। और सिंपल सिंपल रेसिपी के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हो सके थोड़ा सा टाइम हो तो कमेंट भी कर देना, ठीक है। चलो बहुत ठंड है, अपना ध्यान रखिएगा, और सो फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी था, आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिएगा। और ऐसे ही मैंने ब्लॉग भी डाला था, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ टाइम हो तो उसे भी डाल के देखिएगा, और मैं ट्राई करती रहूँगी कि आपके लिए ऐसे सिंपल सिंपल रेसिपीज लाती रहूँ। और इसीलिए जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ ट्राई करो फ्रेंड्स, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि हमें क्वांटिटी कम लेनी है, अगर खुदा न खास्ता ये अच्छा ना बने तो चीज़ें ज़्यादा वेस्ट ना हो, कम वेस्ट हो, ठीक है। तो मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में रख रही हूँ ताकि मैं 2 से 3 बार इसे खा सकूँ, और मैंने इसे पैक करके रख दिया था, घर में भी सबको काफ़ी पसंद आया था। सिर्फ एक गलती मैं कहूँ कि मुझसे ये हो गई कि मुझे लगा था कि बहुत सारा बन जाएगा, ठीक है, पर सारा नहीं था, ये नॉर्मल ही था, ये टेस्ट बहुत अच्छा था, आप ज़रूर इसे ट्राई करना। और बस ये ऑयल वाला सेक्शन ना हो ना तो ये और थोड़ा हेल्दी हो सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है, वो भी ट्राई करूँगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब।